नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी साथ गायत्री महामंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का चैप्टर है अटूट श्रद्धा गुरु भक्ति का प्रतीक। गुरु को केवल तत्व मानकर उनकी देह का अनादर करेंगे तो हम निगुण रह जाएंगे। जिस देह में वह तत्व प्रकट होता है वह देह भी चिन्मय आनंद स्वरूप हो जाती है। समत रामदास का आनंद नाम का एक शिष्य था। वे उसको बहुत प्यार करते थे। यह देखकर अन्य शिष्यों को ईर्ष्या होने लगी। वे सोचते, हम भी शिष्य है, हम भी गुरुदेव की सेवा करते हैं, फिर भी गुरुदेव हमसे ज्यादा आनंद क्यों प्यार करते हैं। ईर्ष्यालु शिष्यों को सीख देने के लिए एक बार समर्थ रामदास ने एक युक्ति की। अपने पैर में एक कच्चा आम बांधकर ऊपर कपड़े की पट्टी बांध दी, फिर पीड़ा से चिल्लाने लगे, पैर में फोड़ा निकला है, बहुत पीड़ा करता है, आह उह। कुछ दिनों में आम पक गया और उसका पीला रस बहने लगा। गुरुजी पीड़ा से ज्यादा कहराने लगे। उन्होंने सब शिष्यों को बुलाकर कहा, अब फोड़ा पक गया है, फट गया है, हमसे मवाद निकल रहा है, मैं पीड़ा से मरा जा रहा हूँ, कोई मेरी सेवा करो, या फोड़ा कोई अपने मुंह से चूस ले तो पीड़ा मिट सकती है। सब शिष्यों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। बहाने बना बना कर सब एक एक करके खिसकने लगे। शिष्य आनंद को पता चला, वह तुरंत आया और गुरुदेव के पैर को अपने मुंह लगाकर फोड़े को मवाद चूसने लगा। गुरुदेव का हृदय बढ़ आया। वे बोले, बस आनंद, बस मेरी पीड़ा चली गई। मगर अगर आनंद ने कहा, गुरुजी ऐसा माल मिल रहा है फिर छोड़ू कैसे। ईर्ष्या करने वाले शिष्यों के चेहरे फीके पड़ गए। बाहर से फोड़ा देखते हुए भी भीतर तो आम का रस था। कैसे ही बाहर से अस्थिर मांसमय दिखने वाले गुरुदेव के शरीर में आत्मा का रस टपकता है। महावीर स्वामी के समक्ष बैठने वालों को पता था कि क्या टपकता है। महावीर से सानिध्य में बैठने से संत कबीर जी ने इर्द गिर्द बैठने वालों को पता था। श्री कृष्ण ने साथ खेलने वाले वालों और गोपियों को पता था कि उनके सानिध्य में क्या बरसता है। सभी तो विज्ञान भी साबित करता है कि हर व्यक्ति के स्पंदन उसके इर्द गिर्द फैले रहते हैं। लोभी और क्रोधी के इर्द दीर्घाजी तामसी स्पंदन फैलते रहते और संत महापुरुषों के इर्द गिर्द आनंद शांति के स्पंदन फैलते रहते। आज का दिन मंगलमय हो, मंगलमय हो, मंगलमय। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।